2024 लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान में से 2 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। इस दौरान पार्टी के लिए प्रचार करते वक्त पॉलिटिशियंस की बयानबाजी भी बढ़ गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चरम पर है। अप्रैल महीने में ऑल्ट न्यूज ने चुनाव से जुड़े हुए कई ऐसे दावों की सच्चाई उजागर करते हुए इसके बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश की है। हालांकि इन सब में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा टॉप पर रहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देश की संपत्ति को मुसलमानों के बीच में बांटने की बात की गई है और ऐसा कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। ऑल्ट न्यूज ने उनकी नफरती स्पीच को डिकोड किया और ये रिपोर्ट पब्लिश की। वहीं ऑल्ट न्यूज ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर किए गए पीएम मोदी के झूठे दावों को लेकर ये डिटेल फैक्ट चेक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी। इस बारे में व्यूअर्स हमारी वीडियो रिपोर्ट स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि आज के इस वीडियो में हम आपको अप्रैल महीने के कुछ चुनिंदा फैक्ट चेक के बारे में बताएंगे। बांग्लादेश में कथित रूप से हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के रेट वाली एक नोटिस काफी शेयर की गई। कई यूजर्स ने ये कथित नोटिस शेयर करते हुए दावा किया कि बांग्लादेश में ये हिंदुओं की दुर्दशा दिखाती है। मामले में छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये नोटिस पुरानी है। वहीं इस कथित नोटिस पर बांग्लादेश जमियत अहल अल हदीस का नाम है, लेकिन उनके वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। असल में ये वायरल नोटिस फर्जी है। बाद में जमियत अहल अल हदीस ने प्रेस रिलीज भी जारी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की गई और कहा गया कि ये उनके समर्थक हैं जो दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। असल में ये तस्वीर इथियोपिया की है और पुरानी है। वायनाड में 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेताओं के साथ ये रैली की थी। इस रैली के बताते हुए ये तस्वीर शेयर की गई और कहा गया कि रैली में बहुत सारे हरे झंडे देखे गए। कई लोगों ने ये तस्वीर ऐसे ही क्लेम के साथ ट्वीट की, जबकि ये तस्वीर 2019 की है और इसमें दिखने वाले झंडे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थे, न कि पाकिस्तानी और न ही इस्लामिक। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किया जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, दो ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का ये वीडियो 2024 लोकसभा इलेक्शन के चलते वायरल हो गया। यूजर्स निरहुआ के बयान को लेकर मजाक बनाने लगे, जिसे देखकर भाजपा नेताओं और खुद निरहुआ ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनका वायरल वीडियो असल में एडिटेड है। जबकि ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए पाया कि उन्होंने वाकई में ये बयान दिया था और ये बात उनका इंटरव्यू लेने वाले संतोष कुशवाहा ने कन्फर्म की थी। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किया जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। अभिनेत्री से पॉलिटिशियन बनी कंगना रनौत ने भाषण देते हुए ये कहा कि उन्हें इलेक्शन के लिए सीट महिला आरक्षण बिल की वजह से मिली है। विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसके तहत 30% महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिली है, उसके कारण आज मुझे ये स्टेज मिला है। आज उसके कारण आपकी मंडी की बेटी को ये स्टेज मिला है।
ऑल्ट न्यूज ने छानबीन की और पाया कि जिस कथित महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वो बात कर रही थी वो असल में 2024 के इलेक्शन के बाद ही प्रभावी हो सकता है। सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। निजाम में एन से मतलब है नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। मित्रों, अगर इस सपा बसपा का गठबंधन आया तो यूपी में फिर से निजाम का शासन आ जाएगा। अमित शाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से काफी शेयर किया जा रहा है। इस यूजर ने ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि क्या ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा जैसे शाह ने अपने हाथ से अंसारी को जहर दिया हो। ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया कि ये कथित वीडियो 5 साल पुराना है और इस बयान का मुख्तार अंसारी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु में भाजपा की मीटिंग का फुटेज बताते हुए ये वीडियो इंटरनेट पर काफी शेयर किया गया। गुजरात के वडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी भी ये वीडियो शेयर करने वालों में शामिल थे। असल में ये फुटेज न्यूज 18 तमिलनाडु के शो की है। वहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच बहस हुई थी जिसके बाद वहाँ उनके समर्थकों के बीच झड़प हो गई। राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स उनका मजाक उड़ाने लगे। हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया 8,500 रुपए महीने का ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। कई वेरिफाइड अकाउंट्स ने भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए ये वीडियो ट्वीट किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। तो हमारी दूसरी योजना जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ थोड़ा और, अभी मैं आपको समझाऊंगा फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया 8,500 रुपए महीने का ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। लेकिन उनके भाषण का वीडियो काट छाट कर बिना संदर्भ के साथ शेयर किया गया।